राजधानी शिमला में नेता, अधिकारी, न्याय और प्रेस से जुड़े लोग क्रिकेट मैदान में चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। 24 और 25 जून को शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के मैदान में हीम स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रहा है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जज और प्रेस एकादश के बीच मुकाबले होंगे। हेम स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने के लिए खेल की ओर आकर्षित करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। देखिए, हमारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन हेम स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन अपने रजिस्टर्ड की, जिसमें हमारे साथी भी है, अध्यापक भी है और भी बहुत सारे। हमारी एक सोच थी कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसमें क्रिकेट का आयोजन होगा 24 और 25 तारीख को जून में। और ये हमारी सोच ये है कि जिस प्रकार से नशे में युवा बच्चे और साथी जा रहे हैं, तो हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से अपने युवा साथियों को और बच्चों को नशे से दूर रख सके। हमें लगता है उससे सबसे बेहतर यही है कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो नशे से दूर रहेंगे। नशा और जिस प्रकार से फैलता जा रहा है समाज में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे ही सरकार संभाली उसके बाद ये पहली ऐसी मुहिम चलाई है कि जो हिमाचल प्रदेश में बच्चे और नौजवान साथी जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश को नशे से मुक्त करना है। तो उस मुहिम में हमने भी अब ये छोटा सा प्रयास हमारी संस्था ने चाहा कि हम जो एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं जिसका एक मैसेज जाए लोगों के बीच। और इसमें क्रिकेट का हम टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 4 टीमों को हमने जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो वो भी सहमत हो गए कि हम चीफ मिनिस्टर 11 की एक टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसी तरह से महामहिम गवर्नर साहब वो भी एग्रीड हो गए कि हमारी गवर्नर 11 की दूसरी टीम रहेगी। और महामहिम जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब है, वो जजेस 11 की एक और तीसरी टीम रहेगी। उसके अलावा प्रेस के जो मेन लोग हैं, प्रेस मीडिया, उनकी तरफ से एक टीम रहेगी। तो 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और खास तौर पे इस टूर्नामेंट का सीधा सा मैसेज है कि अपने आप में जब एक सरकार और लोकतंत्र के सभी सितम एक जगह इकट्ठे होके किसी मकसद के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उस मकसद में हमें निश्चित तौर पे जो है कामयाबी मिलेगी। उसके लिए मैं सबके सहयोग की अपील करता हूं कि ये अच्छे से होगा और हम अपने मकसद में इसमें कामयाब होंगे।